वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप जी के नाल एक बहुत ही आश्चर्य ते अनोखी घटना सांझी करांगे, जो कि बठिंडे के इलाके दे विच पेंदे एक पिंड गंजी गुलाब सिंघा दी है। जिस समय इस पिंड दे विच सच खाण दा दरवाजा प्रतख दिखाई देता सी, गुरबाणी दे अनुसार साधु संतां दे नाल बैर विरोध पाउणा सब तो बड़ा महापाप मन्निया गया है। ते जो भी रब दे प्यारियां दे नाल बैर रखदा है, उसके माड़े दिन उसे दिन तो ही शुरू हो जाते हैं, ते अनेकां दुख तकलीफां फिर उस जीव नूं चलणियां पैंदियां ने। ते इसे प्रकार की ही एक घटना जो बाबा नानक सिंह जी नानकसर वालिआं ते बाबा महाहरनाम सिंह जी पुचो वालिआं दे जीवन दे नाल संबंधित है। बाबा नानक सिंह जी बाबा महाहरनाम सिंह जी कोल जा रहे सन, ते रस्ते दे विच जांदिआं बाबा नानक सिंह जी नूं दो नौजवान टक्कर पए, ते उह नौजवान बाबा नानक सिंह जी नूं कवोल बोलन लगे ते लड़न झगड़न लगे। ते इस सब दे बाद जद बाबा नानक सिंह जी बाबा महाहरनाम सिंह जी कोल पहुँचे, ते उधर उन्हां नौजवानां दे टिड्डां दे विच ना सहण योग दर्दां होण लगियां। ते इन्हां नौजवानां दे बजुर्ग बाबा महाहरनाम सिंह जी दे संगी सन, ते उन्हां दोहां नौजवानां नूं लोक बाबा महाहरनाम सिंह जी दे पास गड्डियां ते लैके पहुँचे। सो जिस समय पुछो बाबा जी कोल पहुँचे तो इन्हां ने बेनती की, तो बाबा महाहरनाम सिंह जी ने मुखो कहा कि अजे ये जिउंदे ने। गल निकलण दी ही देर सी, दोहे नौजवान मर गए। तो जद ये सब कुछ वापरिया तो दोहां नौजवानों के रिश्तेदार चाचा पिता तो होर भी कई जाने इकट्ठे हो के बेनतियां कीतियां कि बाबा जी इन्हां बच्चों का भला किया जाए, इन्हां नूं बख्श दिओ। तो उस समय फिर बाबा महाहरनाम सिंह जी ने बचन किया, भाई हुणे शरीरक तौर तो खत्म हो चुके ने, जे तुसी चाहते हो तो अगे इन्हां दा भला कर देंदे हाँ। तो हाथ जोड़ के नौजवानों के रिश्तेदारां ने उस समय कहा, बाबा जी इन्हां बच्चों का अगला सवारो। तो बाबा महाहरनाम सिंह जी ने कहा, देखो जे असी इकला तुहानू हुणे कह दिता कि अगला असी सवार दिता है तो तुसी यकीन नहीं मनना, ते हुण भाई तुहानू सबूत देंगे, इन्हां नू सचखंड भेजांगे तुहाडे सामने। तो बाबा जी ने कहा, भाई तुसी अपना कोई भी रिश्तेदार इन्हां बच्चों के नाल बिठा देवो इस गड्ढे ते, ते नाल ये भी कहा, नानसिया तू भी बैठ जा, इन्हां नू सचखंड छड़ के आवो। तो जिस समय बाबा जी ने बचन आख्या तो उन्होंने अपने चाचे नू बच्चों के शरीरां दे नाल गड्ढे ते भेजिया, ते नाल बाबा नानक सिंह जी बैठ गए गड्ढे ते। पर तुरंत तो पहला बेनती की, बाबा जी सानू नहीं पता कि सचखंड किधर नू है। तो बाबा महाहरनाम सिंह जी ने कहा कि जो बल्द ने ये आप ही तुरे जाएंगे। बल्द तुरन लगे पुचो तो, ये बल्द तुरद्या तुरद्या गंजी गुलाब सिंह समाध भाईका पिंडां दे विचाले ये बल्द गड्ढे समेत पहुँच गए। तो उस समय कौतक ये वापरिया, जिहड़े नौजवान गड्ढे ते मरे पए सन वह आप ही उठ के खड़ गए, तो देखद्या देखद्या गड्ढे तो उतरने शुरू हो गए। तो सामने एक खेत विच बहुत ही ज़्यादा रोशनी या प्रकाश का एक गोला बनया हुआ सी, ते उस वाल ओ दोवें नौजवान बदने शुरू हो गए। तो जद वह दोवें नेड़े पहुँचे तो गोले दे विच राह बनना शुरू हो गया। तो जद नौजवान अंदर गए तो जिमें जिमें वह अंदर जा रहे ने, उमें उमें ही वह प्रकाश का गोला बंद होना शुरू हो गया। तो अंतों प्रकाश का गोला बंद हो गया, तो पिछे खेत ही रह गया, तो दोवें शरीर अंत नहीं लभे। इस प्रकार एक विलखण ते अनोखी घटना बाबा महाहरनाम सिंह जी दे समय वापरी सी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।